बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। मैं हूँ आपकी शेफ फरा मोहम्मद और मेरे साथ हैं मेरे नन्हे मुन्ने साथी जिनका नाम है साफिन शहजाद, सिद्दीना शहजाद। और आप सब देख रहे हैं और आपको बहुत मज़ा भी आ रहा है, आप इंजॉय भी कर रहे हैं बच्चों की बातें, हमारी रेसिपीज, किस्सा कहानी और हमारा एक बहुत प्यारा सा सेगमेंट एक दिन की नेकी। तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लग रही हैं, तो मैंने सोचा इसके साथ साथ मैं आपको डिशेस भी बहुत अच्छी अच्छी बताती हूँ। और कुछ डिशेस ऐसी होती हैं जो बच्चों के दिल के बहुत करीब होती हैं और जल्दी से बन भी जाती है। तो आज की जो रेसिपी है मैंने सेलेक्ट की है वो भी ऐसी है। मैं आज बनाने वाली हूँ क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स बनाने वाली हूँ। बच्चा अच्छा लगता है ना? अब हम करते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट और ये बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले हम करेंगे इसमें मैरिनेशन। मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पर मैंने ब्रेस्ट पीस लिया हुआ है, बहुत ही साफ़ सुथरा है और मुझे तो बहुत ही पसंद है और इतना इजी है। आप इसे मार्केट से लेकर आएँ और इसे आप कुकिंग में अपने शामिल कर लें। और वैसे भी जब रमज़ान आने वाला होता है तो हमें बड़ी टेंशन हो जाती है, स्पेशली सारी ख़वातीन को, कि रमज़ान में बहुत सारा मेन्यू है, इफ्तार के लिए समोसे बनाने हैं, पकोड़े बनाने हैं, कचौरी बनानी है और भी बहुत सारी चीज़ें बनानी है, क्या करेंगे, क्या क्या बनाएंगे। आप उसे लें और साफ़ सुथरा सा है और आप बिल्कुल बेफिक्र हो गए उसको बनाएं और खुद भी खुश हो और बच्चों को भी खुश करें, ठीक है। अच्छा, मैं इसको मैरिनेट कर रही हूँ। मैरिनेशन के लिए मेरे पास यहाँ पर है चिली सॉस, मैं इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करूँगी। और ये है सोया सॉस, इसको भी मैं 1 टेबल स्पून, ये पूरा 1 टेबल स्पून ही था। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून और उसके साथ मैं इसमें शामिल करूँगी ब्लैक पेपर और ये मेरे पास है 1 टीस्पून। उसके साथ सॉल्ट, ये है 1/2 टीस्पून और यहाँ पर मैं इसमें ले लूँगी, ये मेरे पास 2 eggs हैं, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा नहीं लूँगी, थोड़ा कम लूँगी, सही है। इसमें मैंने ले लेना है आधा, हाफ मुझे ज़रूरत होगी तब मैं इसे ले लूँगी। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना है, हाँ इसको हमने मिक्स करना है, मैरिनेट करना है और इसको हमने रख देना है तकरीबन, क्योंकि मैं तो यहाँ पर आपको रेसिपी आपको सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, मैं कर रही हूँ इसको, ठीक है। मैं मैरिनेशन इसको मैंने कर लिया है और जब तक ये मैरिनेट हो रहा है तो मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। ईजी है ना? बहुत ज़्यादा ईजी है, इसी मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, डिफ़िकल्ट भी नहीं है, थोड़ी सी चीज़ है। अच्छा, इसको अगर आप घर में बनाएंगे तो आप तकरीबन इसको 1 से 2 घंटे तक आप इसको रेस्ट दे दें, आप इसको रख दें ताकि इसके अंदर जितने भी स्पाइस हैं बहुत अच्छे से चिकन के अंदर चले जाए। जब आप इसे फ्राई करेंगे तो एक अच्छा सा जूसी टेंडर सा इसका टेस्ट आएगा। जब तक ये मैरिनेट हो रहा है मैं चलती हूँ यहाँ पर और ऑयल को गर्म करती हूँ, ऑयल गर्म करूँगी फिर हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म करने के लिए तो मैंने इतना ऑयल इसके अंदर रख दिया है क्योंकि मैं इसके अंदर डीप फ्राई करूँगी, मुझे ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए, बस इतना ही मुझे चाहिए था, मैंने ले लिया। अच्छा, थोड़ा सा टाइम हो गया है जब तक मैंने आपसे इतनी सारी बातें की, बच्चों ने बातें की और साथ में हमने ऑयल को भी गर्म किया। फ्राई करेंगे लेकिन कैसे करेंगे वो अभी आपको बताती हूँ। कॉर्नफ्लावर मेरे पास है, मैं इसको ले लूँगी, कॉर्नफ्लावर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। थोड़ा एक अलग से मैं स्पून ले लूँ, उसको मैंने ऐड करना है क्योंकि फ्लावर से भी आता है और कॉर्न से भी, और ये कॉर्न, हाँ कॉर्न का ही तो फ्लावर होता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, मतलब आटा बिल्कुल। और हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि, हाँ जी, और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करेंगे अच्छा सा, बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला जो है हमारे स्ट्रिप्स पे अच्छे से लग जाए। और ऑयल भी गर्म करेंगे ताकि थोड़ा सा हटे, मैं इसको फ्लेम को थोड़ा सा मैं तेज़ कर दूँ। और ये चिकन है, चिकन तो बहुत जल्दी बन जाता है, इसको टाइम ही नहीं लगता है बनने में। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद मैं क्या करूँगी, मेरे पास यहाँ है ब्रेड क्रम्स, क्रम्स में इसके अंदर मैं इसकी कोटिंग करूँगी। कोटिंग करने के बाद मैं इसको फ्राई करती जाऊँगी तो ये क्या बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे, ठीक है। फ्लेम को हमने मीडियम पे रखना है, हमने तेज़ नहीं रखना, बच्चों को तेज़ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जल जाएंगे, है ना, अंदर से कुक नहीं होंगे और बाहर से ये ब्राउन हो जाएंगे, इसमें सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो मेहनत तो ज़ाया करनी नहीं है, चीज़ें तो वेस्ट करनी नहीं है, तो क्या करना है, हमने प्रॉपर कुकिंग करनी है ना बच्चों, हमें अच्छी सी कुकिंग करनी है ताकि आपको अफ्तार में भी खाना होगा, खाना है ना अफ्तार में, पसंद है क्या, देख रही है अपना माइक दिख रही है अफ्तार में भी हमें खाना होता है, जो है ना, आपको अच्छे लगते हैं चिकन स्ट्रिप, अच्छे लगते हैं, और आपको अच्छे लगते हैं, आपको तो सभी अच्छा लगता है, आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठीक है। अच्छा चले जी, बातों बातों में ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और मैं थोड़ा सा इसको
फ्लेम को करती हूँ मीडियम और साथ में अच्छा मैं जो वो बर्गर बनाए थे ना वो इतना टेस्टी था आपको सब अच्छा टेस्टी था मुझे साथ ही ना एक मुझे ये बॉल दे दें ये वाला बॉल दे दें मैं इस क्रम्स को मैं हाँ ये बिल्कुल मैं इसमें ना हाफ कर लेती हूँ क्रम्स को ठीक है ना ताकि हमारी ये ज़ाया ना हो मैं नहीं चाहती कोई चीज़ ज़ाया हो जितना चाहिए होगा हम इस बॉल में लेते जाएंगे और इसको हम ऐड करते जाएंगे बस यहाँ मैं ऐड कर इसको रख देती हूँ इसको साइड कर देते हैं ऑयल गर्म हो चुका है एक एक स्ट्रिप्स उठाते जाएंगे आप देखिए इस तरह के स्ट्रिप्स हैं उठाते जाएंगे क्रम्स के अंदर ऐड करते जाएंगे इसको इसकी कोटिंग करते जाएंगे और हमने इसको फ्राई करना है पहले एक देखते हैं फ्राई करके फिर दूसरा फ्राई करेंगे इसको क्रम्स के अंदर पैक करना है जी इसको पैक करना है इसको लॉक करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हो रहा है ठीक है अच्छे से हो रहा है अब हम दूसरा ले लेंगे नहीं मैं कर देती हूँ क्योंकि ऑयल में बच्चे हाथ नहीं डालते बिल्कुल भी नहीं डालते बच्चे हाथ हाँ जल सकता है इस तरह से बच्चे कुकिंग नहीं करते वरना जल भी सकते हैं जल भी सकते हैं तो बच्चों को सिर्फ देखना चाहिए बच्चों को दूर से देखना चाहिए जो छोटे छोटे काम होते हैं वो करना चाहिए जैसे कि आपने सफाई कर ली करेंगे तो बच्चों बिल्कुल सही कह रहा है सिनान बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हाथ जल जाएगा तो फिर आपकी मम्मा परेशान होंगी ना कुकिंग छोड़ के फिर आपको लेके भागेंगे डॉक्टर के पास हमें दर्द भी होगा फिर सेकंड डे आप हेल्प नहीं कर सकेंगे तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स है ना तो इससे एक ही हल है इसका एक ही इलाज है कि आप बिल्कुल भी कुकिंग ना करें ठीक है बच्चों को करनी भी नहीं चाहिए जब जो है ना आप बड़ी हो जाएंगी छोटे मोटे काम करते छोटे छोटे से काम कौन कौन से सब करते सिनान कौन से छोटे मोटे काम बताएं मुझे छोटे छोटे काम जैसे मम्मा कुछ कह रही हूँ ग्लास में पानी दे दो वो हाँ टेबल पे ग्लास रख दें प्लेट्स रख दें स्पून रख दें और सॉस रख दें हाँ मम्मा इफ्तार बना रही होती है ना मैं ना हेल्प करता हूँ मम्मा की प्लेटें रख देता हूँ ग्लास रख देता हूँ वाओ वेरी नाइस आप भी करते हैं हेल्प सब बच्चों को हेल्प करनी चाहिए अच्छा बच्चों आप हेल्प करते हैं आप जो मुझे देख रहे हैं और सिनान की बातें सुन रहे हैं आप भी हेल्प करते हैं कौन कौन हेल्प करता है मुझे जरूर बताइएगा कॉल करके मुझे बताइएगा कि हम हेल्प करते हैं जो बच्चे हेल्प नहीं करते वो कॉल कैसे करेंगे सॉरी बोलें जल्दी से सॉरी बोल दें सॉरी बोला बच्चों ने आपको आवाज़ आई नहीं आई आवाज़ है ना आवाज़ आनी चाहिए जल्दी से सॉरी बोलें हमने अब आप प्रॉमिस करें कि आप अपनी मम्मा की हेल्प करेंगे जैसे सिनान हेल्प करते हैं जैसे साफिन हेल्प करते हैं हाँ अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है इसको हम थोड़ा सा इसको फ्लिप करेंगे इसको हाँ देखिए बन गया कितना अच्छा ब्राउन कलर आया है क्रिस्पी से बने हैं कितनी क्रिस्पी बने हैं एक तरफ से बन जाए अब देखें यहाँ पर कितना अच्छा इसका कलर है बस ये बन जाएंगे वन बाय वन हम ऐड करते जाएंगे इसमें और इसको बनाते जाएंगे हेल्प करवाती है ना तो मैं खुश हो जाता हूँ आपको अच्छा लगता है अच्छा देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं ना मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं फिर आते हैं स्कूल से फिर इनकी मम्मा कहती हैं कि बेटा सो जाओ रेस्ट कर लो लेकिन बच्चे रेस्ट नहीं करते उनकी मम्मा को तंग करते हैं लेकिन साफिन और सिनान आप बताएं आप रेस्ट करते हैं ना मैं तो करता बिल्कुल रेस्ट करते हैं ये दोनों भाई आप भी करती ना जोयना जोयना भी रेस्ट करती हैं ट्यूशन से पढ़ कर डायरेक्ट सो जाते हैं और आपको भी रेस्ट करना चाहिए सब बच्चों को रेस्ट करना चाहिए अपनी मम्मा को तंग नहीं करना चाहिए हाँ जी तो बच्चों की बातों के साथ साथ हमारे जो स्ट्रिप चिकन स्ट्रिप्स हैं वो भी फ्राई हो चुके हैं बस थोड़े से रहे इसका गोल्डन ब्राउन कलर जो है हाँ ब्राउन कलर है वो आ गया और मैं अब क्या करती हूँ कि काउंटर अपने क्लीन करती हूँ और साथ में इसको डिश आउट करती हूँ पहले से मैंने ये प्लेटर मैं आपको दिखा दूँ मैंने ये प्लेटर बना के रखा था टमाटो सॉस के साथ और ये सैलड लीव्स के साथ अब मैं इसमें अपने जो चिकन स्ट्रिप थे क्रिस्पी उसको मैं इसको गार्निश करूँगी इसको डिश आउट करूँगी और बस अपने काउंटर को साफ करती हूँ तो और बच्चों से करवाती हूँ ये काम ठीक है तो चलते हैं अब नेक्स्ट रेसिपी की तरफ अब
अब हम बना रहे हैं लेबनीज डिजर्ट जिसका नाम है लयाली। बहुत ही अच्छी बनने वाली है और इसको हम बनाते हैं आपके लिए। ये बिल्कुल न्यू डिश है लेकिन मैं तो इसको बनाती रहती हूँ। मैंने सोचा हेल्दी तो बहुत ज़्यादा है और तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी इस रेसिपी को शेयर करूँ ताकि आप लेबनीज जो डिज़र्ट है वो अपने घर में बना सकते हैं। बहुत ईजी है बनाना। तो मैं इसको स्टार्ट कर देती हूँ बनाना और मैं डर भी जाती हूँ समटाइम जब ये चल रहा होता है। हाँ जी, बस इसको मैंने थोड़ा सा स्लो कर दिया और सबसे पहले मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ। अच्छा, मेरे पास ये ना सर्विंग स्पून है बड़ा वाला, मैं ले लेती हूँ टेबल स्पून। बच्चों आप गौर से देखें किस तरह से बनेगा ये। सबसे पहले सूजी है सेमोलिना, मैंने इसको थोड़ा सा इसको रोस्ट करना है। मैं ले लेती हूँ 3 टेबल स्पून सूजी, इसको मैंने रोस्ट करना है अच्छे से। रोस्ट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे मैं आपको बताऊँगी। इसमें हल्का सा रोस्ट करेंगे ताकि जो इसका ना कच्चापन वो ख़त्म हो जाए और वो एक अच्छी सी खुशबू आ जाए ना उसको पकने की, रोस्ट होने की। फिर हम चलेंगे दूसरी चीज़ों की तरफ, इसमें क्या ऐड करना है। बस ये जल्दी से रोस्ट हो जाती है, इसको टाइम होने इसको टाइम नहीं लगता, जल्दी हो जाती है। क्या करेंगे जो है ना, आप सीखे ना, आपको सीखना नहीं है। हाँ मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं। अच्छा आज बच्चों आपने मुझे कोई नात नहीं सुनाई, क्यों? सुनाए, चले करीब आ जाए, मेरे करीब आ जाए। सिनान हमें नात पढ़ के सुनाएंगे, ठीक है? या रब्बे मुस्तफा तू मुझे हज पे बुला, आके मैं देख लूं आँख से काबा तेरा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी नात आपने पढ़ी है, बहुत अच्छी नात आपने पढ़ी है सिनान। माशाल्लाह पूरी सुनाइएगा, अब आप पूरी याद करके आइएगा फिर पूरी नात पढ़िएगा, ठीक है? अभी थोड़े बच्चे हैं ना सिनान, छोटे से हैं तो इनको इतने ज़्यादा याद नहीं होता, तो फिर मैंने इनको एक काम पे लगा दिया है कि अब ये कल क्या करेंगे, ये नात पूरी याद करेंगे और फिर हमें यहाँ पर नात पढ़ के बताएंगे, ठीक है ना? अच्छा अब मैंने इसको थोड़ा सा, खुशबू आ रही है बच्चों, आ रही है खुशबू? और ये थोड़ा पकना भी स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी मिल्क, मिल्क हमने इसके अंदर शामिल करना है। मैं पूरा मिल्क इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको मैंने अच्छी आ रही है। अच्छी आवाज़ आ रही है, मिल्क की आवाज़ अच्छी आ रही है। इसको मैंने मिक्स करना है अच्छे से सूजी के अंदर। हमने सूजी को हमने हल्का सा रोस्ट किया, उसके बाद मिल्क इसके अंदर ऐड किया। हाँ जी, और उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी, ये है हमारे पास शुगर। शुगर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया 3 टेबल स्पून शुगर। ऐड करने के बाद फिर मैंने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं हटा दूंगी चूल्हे से, सही है? इसको थोड़ी देर हटा के फिर बताती हूँ कि मैं इसमें क्या करने जा रही हूँ। अच्छा, मिल्क को हमने, बस सूजी को हमने हल्का सा रोस्ट करना था, मिल्क ऐड करना था, और अब मैं इसके अंदर, मेरे पास एग योक है, मेरे पास अंडे की जर्दी है, इसको मैंने क्या करना है, हल्का सा इसको बीट करना है। बीट करने के बाद मुझे ज़्यादा, मुझे गर्म दूध नहीं चाहिए, मिल्क नहीं चाहिए, नहीं मैं मिक्स कर रही हूँ, सही है? हमें नहीं चाहिए, कम चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो क्या होगा कि सही से मिक्स नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, इससे पहले मैं इसको चेक करूँगी मिल्क को। जी जनाब, इसको मैं चेक करूँगी, बिल्कुल सही है, इतना ही मिल्क हमें चाहिए था। और अब मैं इसमें ये अंडे की जो जर्दी है, एग योक, इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है? मिक्स करूँगी, इसको रख दें, है ना, सही से रख दें इसको, मिक्स करूँगी। देखिए येलो कलर इसका आ गया, अच्छा सा फाइन सा। अब हम इसे बनाएंगे, इसको पकाएंगे, ठीक है? अब इसको पकाएंगे, कितना अच्छा हो गया, हमने इसमें कोई कस्टर्ड पाउडर नहीं ऐड किया और हम इसे बनाएंगे स्टफिंग। आप इसको थोड़ा थोड़ा सा आप इसको चलाते रहें ताकि मैं दूसरी चीज़ें बताती जाऊँ सबको। हाँ, हल्का हल्के हाथ से इसको घुमाते रहें, पकाते रहें। कॉर्नफ्लावर लूँगी मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून, और इसमें पानी डाल के इसको मैं डाइल्यूट करूँगी, इसको मिक्स करूँगी। उसके बाद मैंने साफिन, आपने इसको हिलाते रहना है, सही? मेरी हेल्प करें आप, थोड़ा सा पानी लिया, उसको हमने मिक्स किया और उसके बाद हम मिल्क के अंदर इसको ऐड करेंगे और थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाएगा, बहुत गर्म है। चलो मैं कर लेती हूँ इसको, जो है ना, आप इसको, आप ये मेरी हेल्प करें, मैं यहाँ पे चली जाती हूँ, ठीक है? कलर कितना अच्छा आया इसका देख रहे हैं, हमने इसमें कोई कस्टर्ड पाउडर नहीं ऐड किया, हमने इसमें अंडे की सफ़ेदी, एग योक को मैंने इसके अंदर ऐड किया है, ठीक है? या लाओ मुझे दे दो, हो गया अच्छे से? आप इसलिए तो मैं नहीं देती ना आपको कि आप बहुत टाइम लगाती हैं, जल्दी जल्दी कर लें। नहीं बस सही है, हो जाएगा, अभी हो गया, लाए मुझे दीजिए, ठीक है? हटें इसको, इस तरह से मिक्स करते हैं। नहीं हो गया, हो चुका,
मिक्स कर लिया, इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे, उसको हम हटा देते हैं यहाँ पर। उसके अंदर मिक्स करूँगी मैं, ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा ये थिक होना स्टार्ट हो गया, आप देख रहे हैं ये थोड़ा थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो चुका है। अब ये बिल्कुल थिक हो जाएगा, यहाँ देख लें इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें इस तरह की है। जब यहाँ तक आ जाए तो आपने बस इसको थिक होने में ये हेल्प करेगा कॉर्नफ्लावर, ये आपको हेल्प करेगा। ये बहुत अच्छा थिक हो चुका है, आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सूजी थी, इसके अंदर अंडे की जर्दी थी, ये अच्छा सा मिक्स हो रहा है। और हम इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल देंगे और ये अच्छा सा और थिक हो जाएगा। अब यहाँ पर आके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वैनिला एसेंस 1 टीस्पून। बहुत अच्छी आ रही है ना खुशबू के लिए, इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये देखें कितना अच्छा मिक्स हो चुका है, यहाँ पर कस्टर्ड की तरह लग रहा है, लेकिन कस्टर्ड पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया। ये बहुत हेल्दी है, बच्चे खाना नहीं खाते, आप बच्चों को ये खिलाएं, बच्चों को बहुत पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। बिल्कुल हाँ, कस्टर्ड की तरह बन गया, इसमें बिल्कुल भी कस्टर्ड पाउडर शामिल नहीं किया हमने। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा, ये मेरे पास पिस्ता है फाइन चॉप किया हुआ, ये मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और ये बन भी रहा है। साथ साथ मेरे पास यहाँ पर है मज़ेदार सी चीज़, चीज़ तो सबको अच्छी लगती है, मैं 1 बॉल चीज़ इसके अंदर ऐड करूँगी, थोड़ी सी मैं इसको गार्निश के लिए रखूँगी। और ये लयाली बनेगी चीज़ से, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी स्वीट सी। ये बस ये बनने वाला है थोड़ी देर में, और इतना ये हो चुका है, और सिर्फ हाँ चीज़ ऊपर से गार्निश करेंगे। ये बस हमारा ऑलमोस्ट तैयार है, अब मैं इससे इसके डिश के अंदर पोर कर रही हूँ, डिश आउट कर रही हूँ, और पिस्ता से मैं इसको गार्निश कर रही हूँ। अपने काउंटर को साफ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जाना है ड्रिंक की तरफ और ड्रिंक भी बनानी है। लेबनीज डिज़र्ट हमारा लयाली तैयार है, और कितना यमी लग रहा है, और बहुत अच्छी उसकी खुशबू आ रही है, क्योंकि इसके अंदर सूजी भी है, मिल्क भी है, अंडे की जर्दी भी है, साथ में चीज़ भी है, और पिस्ता से हमने इसकी टॉपिंग की हुई है। ज़रूर इसको बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगा, टारगेट बन गया। और अब हम चलते हैं बहुत ही अच्छी रिफ्रेशिंग ड्रिंक की तरफ। अब हम बनाएंगे ड्रिंक जिसका नाम है शिकंजी, जिसे हम शिकंजबीन भी कहते हैं, शिकंजी भी कहते हैं, दोनों नामों से इसे याद किया जाता है, और इसको बनाया जाता है, और इसको ऑर्डर भी किया जाता है कभी हम जाते हैं तो। बहुत ही आसान है इसका तरीका बनाने का। हमने क्या करना है, पानी लेना है आपने, ठंडा सा पानी लेना है, या आइस क्यूब भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप नॉर्मल वाटर से, नॉर्मल वाटर से भी आप बना सकते हैं। एक एक करके 1 बाय 1 हम इसके अंदर ड्राई मसाले ऐड करते जाएंगे, उसको मिक्स करते जाएंगे, शिकंजी शिकंजबीन तैयार हो जाएगी। यहाँ पर है मैंने लिया हुआ है आइसिंग शुगर, मैंने शुगर को हमेशा मैं इसको पाउडर बना लेती हूँ, ताकि मुझे इसको मिक्स करने में बहुत ज़्यादा मुझे आसानी हो जाती है। ये है काली मिर्च पाउडर, ये मैं 1/2 टीस्पून लूँगी। अच्छा यहाँ पर मेरे पास है अजवाइन और वाइट ज़ीरा, इसको मैंने पाउडर कर लिया है, ठीक है, ये दोनों मैं लूँगी। इसमें मैं तकरीबन 1/2 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और यहाँ पर मेरे पास है काला नमक, ये मैं लूँगी इसमें, इसको भी 1/2 टीस्पून, और साथ में ये मैं लूँगी इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के लेमन जूस, इसको मैंने ले लिया। अच्छा आप इसे इफ्तार में बना सकते हैं, उसको मिक्स करना है, जस्ट कितना आसान है इसको मिक्स करना। और इसे आप सहरी में भी ले सकते हैं, अगर आप इसको सहरी में पियेंगे यकीन करें आपको प्यास बिल्कुल भी नहीं लगेगी, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी गर्मी शुरू हो गई है, आप बाहर जाते हैं, जो लोग काम करते हैं, बहुत ज़्यादा हो गई है, बाहर जाते हैं काम करते हैं, और इनको ऐसा फील होता है, अच्छा लग रहा है ना, हाँ बिल्कुल, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो आप इसको सहरी में आप इसको एक ग्लास पी लें, आप यकीन करें आपको बिल्कुल भी आपको प्यास फील ही नहीं होगा, और आपका रोज़ा इतना अच्छा गुजरेगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। बच्चों को भी पिला सकते हैं, जो बच्चे होते हैं ना, जो इनकी रोज़ा खुशाई होती है, ये फर्स्ट रोज़ा रखते हैं, तो आप उनको बच्चों को थोड़ा सा पिलाएं, बन गया बिल्कुल। इसको हमने इतनी सी देर होती है, अभी मिंट डालने और लेमन, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा आप इन मसालों को घर में पहले से आप बना के पाउडर करके रख लें, जब भी आपका दिल करता है आपने उसको जस्ट मिक्स किया, ग्लास में पोर किया, और आप इससे पिए। इसको आप ठंडा भी ना करें, फिर भी उसका जो वो ठंडक पहुँचाता है, बहुत कूल कूल सा आपकी बॉडी में ये फील करता है, आपको फील करवाता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया लेमन स्लाइसेस, और इफ्तारी का टाइम हो जाए तो हम
थोड़ा सा रह गया होता है तो हम सहरी में भी बना सकते हैं। बना सकते हैं, इसको पी भी सकते हैं एक साथ, बना ले सहरी में भी पिए और अफ्तारी में पिए। अच्छा, मैंने लेमन जूस इसके अंदर ऐड किया था और लेमन स्लाइसेस भी ऐड कर रही हूँ। लेमन जूस जो है उसके अंदर एक अच्छा सा खट्टा खट्टा सा होगा, लेकिन लेमन स्लाइसेस क्या करेगा, हमारे ड्रिंक को रिफ्रेश करेगा। उसका जो फ्लेवर है वो इतना अच्छा होता है ना लाइम का, तो आप इसको ज़रूर इसके अंदर ऐड करें। मैं इसे दो चार में इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, सारे कर देती हूँ, मैंने जब स्लाइस किए हुए हैं तो मैं इसको सारे कर देती हूँ। और ये हमारा शिकंजी या शिकंजबीन तैयार है। हमने इसमें कोई आइस क्यूब नहीं ऐड किया, वैसे ही इतना अच्छा होता है कि आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कूल कूल लग रहा है ना, बस ये तैयार हो गया इतनी सी देर में। आपने इसको पीना है, खुशबू भी बहुत अच्छी है, ड्रिंक की खुशबू बहुत अच्छी होती है। और बच्चे जो है ना, आप यकीन करें, इफ्तार का जब वक्त होता है, ये तीनों बच्चे हैं ये कह रहे होते हैं कि मैंने पीना है मैंने पीना है। मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा, ये समझते हैं सिर्फ दो ही ग्लास है, नहीं मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, बाद में बना देती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि एक ग्लास से तो कुछ भी नहीं होने वाला, दो दो ग्लास तो चाहिए चाहिए होते हैं ड्रिंक के अफ्तार के वक्त। शिकंजबीन शिकंजी तैयार है और अब हम चलते हैं कहानी किस्सा की तरफ। बच्चों, आज का जो किस्सा है वो कारून और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का है, जो मैंने आपको सुनाया था। अब मैं इसे कंटिन्यू करूंगी। कारून आपको पता है कौन था, पार्ट टू। हाँ, वो पहले अच्छा था और उसके पास बहुत पैसे थे, फिर वो गुरूर करने लगा। बिल्कुल गुरूर करने लगा, और ज़कात देने में मेरे इतने सारे पैसे चले जाएंगे, मैं नहीं दे रहा, और बन गया था। और बच्चों, ज़कात अल्लाह ताला ने क्यों हमारे ऊपर रखी है, ज़कात हम क्यों देंगे, इससे क्या फायदा दूसरों को होता है, दूसरों की हेल्प होती है गरीबों की। अगर हम अपने पैसे निकालेंगे तो जो बहुत फिरौन की कहाँ हुई थी, फिरौन तो बिल्कुल डूब गया था ना, वो तो गर्क हो गया था, फिरौन का तो किस्सा चला गया। अब कारून का और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है, लेकिन वो फ्रॉन जैसा होगा लेकिन डूब के नहीं मरेगा। हाँ, उसका अंजाम कुछ और होगा। अब पता है क्या हुआ, इस तरह से हुआ कि फिर उसने कहा मैं तो बिल्कुल भी नहीं ज़कात दूंगा, ज़कात देने से दूसरों की हेल्प होती है, अल्लाह ताला हमारे जो पैसे होते हैं हमारी चीज़ों में अल्लाह ताला उसको डबल कर देता है, ट्रिपल कर देता है अल्लाह ताला। ठीक है, अल्लाह ताला कहता है जो मेरी राह में खर्च करेगा उसको डबल ट्रिपल दूंगा। अल्लाह ताला से बिजनेस करने का होता है। बिल्कुल, अल्लाह ताला बोल कहते हैं कि कौन है जो मेरे साथ बिजनेस करे। गरीब थे, एक बच्चा छोटा बच्चा था, एक ना बड़ा बच्चा था, वो ना गरीब थे, वो ना बराबर वालों के घर खड़े हुए थे ना, तो ना मम्मा ने देखा तो ना मम्मा को अफसोस हुआ, मम्मा ने उनको पैसे दिए और कपड़े दिए। बहुत अच्छी बात है, आपकी मम्मा भी ऐसी करती है और जो बच्चे हमें देख रहे हैं आपकी मम्मा भी ऐसे करते हैं ना, बहुत अच्छी बात है, हेल्प करनी चाहिए सबकी। अच्छा, तो हम किस्से की तरफ चलते हैं। ठीक है, फिर उसने कहा कि मैं तो नहीं दूंगा, फिर उसने सारे लोगों को जमा किया और कहने लगा कि देखो ये कितनी गलत बात है, मूसा जो है, मूसा अलैहि सलाम को कहने लगे, मूसा जो है अब हमारे पैसों पे भी नज़र रख रहा है, वो तो कह रहा है कि तुम्हारे पैसे भी दो, तो हम क्यों दें उसको पैसे। सारे लोगों को इसने वरगलाना शुरू कर दिया, सही है, उसको कहता था कि बिल्कुल नहीं देंगे, और बेवकूफ़ लोग थे ना वो कारून की बातों में आ गए। उसने कहा हाँ ये तो सही कहता है, फिर इन्होंने एक प्लानिंग की, क्योंकि हजरत मर्जी तो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अल्लाह ताला की मर्जी चलेगी। फिर क्या किया, अब हजरत मूसा अलैहि सलाम जो थे वो तो बहुत अच्छे थे, सब लोग जो थे उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, सब कहते थे कि हजरत मूसा अलैहि सलाम की तो सब बात मानते हैं। कारून ने एक प्लानिंग की, उसने कहा कि हम हजरत मूसा अलैहि सलाम को ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनसे सब उनसे नफरत करने लगे, नौजुबिल्ला, हमारे नबी से तो कोई भी नफरत नहीं कर सकता। लेकिन ये कारून ने ये प्लानिंग की, कारून की प्लानिंग अलग, अल्लाह की प्लानिंग अलग, जीतता कौन है, अल्लाह ताला। कारून की प्लानिंग तो खत्म हो गई। फिर क्या हुआ, कारून ने कहा कि ठीक है, मैं एक औरत को बुलाता हूँ, औरत को उसने पैसे दिए, इतनी सारी चीजें दी और कहा कि तुम मूसा अलैहि सलाम पे ना, औरत को इतने सारे पैसे दे दिए लेकिन ज़कात नहीं दी, क्योंकि गलत काम में तो दे दिया। फिर इस औरत को कहा कि तुम ऐसे करना
कि मूसा अलैहि सलाम को बहुत सारे आदमियों के बीच में झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाना, झूठे गलत गलत बातें करना। उस औरत लालच में आ गई, उसने कहा अरे ये तो मुझे कारून तो इतना अमीर है, मुझे पैसे भी देता है, बाद में मुझे पैसे देगा, चलो मैं तो, ये तो आसान बात है, मैं तो कर लूँगी। फिर क्या हुआ कि कारून ने ना हज़रत मूसा अलैहि सलाम को कहा बच्चों प्लानिंग की ना, प्लानिंग जब करते हैं वो तो बिल्कुल बच जाएंगे। कारून ने फिर हज़रत मूसा अलैहि सलाम को कहा कि मूसा मैं लोग जमा करता हूँ, आप उसमें तौरात की बातें बताएं, तौरात पढ़ के बताएं, दीन की बातें बताएं, आप वहाँ पे दर्ज दें। हज़रत मूसा अलैहि सलाम तो बहुत खुश हो गए, चलो कारून थोड़ा सा सुधर गया है, उसने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा, तुम लोगों को जमा कर लो। फिर कारून की प्लानिंग तो कुछ और थी, हज़रत मूसा अलैहि सलाम को बदनाम करने की थी। कारून ने सब कुछ जमा किया, इतने सारे लोग जमा हो गए, और जैसे ही हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने दर्श शुरू किया, तालीम शुरू की, दीन की बातें बताना शुरू की और कहा देखो चोरी नहीं करना चाहिए, देखो गलत काम नहीं करने चाहिए, देखो नाजायज़ चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कारून फौरन बुरी हरकत नहीं करनी चाहिए, वो अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। कारून जो था वो खड़ा हो गया और मजमू में कहने लगा कि ए मूसा कि जो तुमने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं क्या तुम भी इस पर यकीन करोगे, तुम भी इस पर अमल करोगे? हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने कहा हाँ कारून बिल्कुल मैं भी अमल करूँगा। तो कारून ने कहा लेकिन एक औरत तो तुम पर इल्ज़ाम लगा रही है, तुमने तो बहुत बुरा बुरा किया है। हज़रत मूसा अलैहि सलाम को तो बहुत अफसोस हुआ, कहने लगा कौन औरत, कौन सी औरत? वो कहने लगे बुलाओ मैं इससे बात करता हूँ। अब कारून जो था उसकी प्लानिंग थी हज़रत मूसा अलैहि सलाम को बदनाम करने की, लेकिन हज़रत मूसा अलैहि सलाम तो अल्लाह के नबी, अल्लाह के बंदे थे, अच्छी बातें बताते थे। फिर उस औरत को लाया गया, वो औरत जैसे ही खड़ी हुई ना, इतने सारे लोग थे उसके बीच में, हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने कहा ए औरत तुम्हें तौरात की कसम, तौरात अल्लाह ताला की किताब है, उसकी सच्चाई की कसम, और दूसरी बात जब हमें फिरौन ने हम पे हमला किया और अल्लाह के हुक्म से समंदर के दो हिस्से हो गए, खुश्की निकली, हम वहाँ से बच के निकले, क्योंकि उस वो औरत भी निकली थी ना, उस अल्लाह ताला के मौजज़े का वास्ता, तुम सच बताना, देखो तुम्हें अल्लाह देख रहा है, तुम्हें पैदा करने वाला रब देख रहा है, तुम सच बताना कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुमने कारून को क्या बोला हुआ है। वो औरत जो थी वो डर गई और अल्लाह ताला ने उसके दिल में डाला सच बोलना। किसने डाला? अल्लाह ने डाला। अल्लाह ने उसकी जबान फेर दी, अल्लाह ताला ने कहा सच बोलो। वो औरत चाहते हुए भी इल्ज़ाम लगाने के बच्चों वो सच बोल पड़ी। उसने कहा नहीं आप बहुत अच्छे हैं मूसा अलैहि सलाम, मुझे ये सारी बातें कारून ने कही थी, उसने मुझे पैसे दिए, मुझे लालच दिया, मुझे जायदाद का लालच दिया, मैं बिल्कुल आप पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहती थी, आप तो बहुत सच्चे हैं। पूरा जो मजमुआ था वो सब का सब कारून को बहुत बुरा भला कहने लगा। हज़रत मूसा अलैहि सलाम से उन्होंने सॉरी किया, देखो अल्लाह ताला ने किस तरह से अपने नबी की हिफाजत की। हज़रत मूसा अलैहि सलाम को बहुत अफसोस हुआ कि कारून ने इतना बड़ा जो है मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया। मूसा अलैहि सलाम अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी थे, ज़्यादा उनको बचाएंगे। फिर क्या हुआ कि हज़रत मूसा अलैहि सलाम बहुत दुखी थे, उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि कारून ने क्यों मेरे साथ ऐसा किया, कितना मुझे बदनाम करना चाहा। तो अल्लाह ताला ने कहा ए मूसा आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, जो अल्लाह के नबी को तंग करते हैं, जो लोगों को तंग करते हैं, अल्लाह ताला उनको सज़ा देते हैं, उन पर आज़ाब आता है। फिर पता है क्या हुआ बच्चों, कारून इतना अमीर था, अल्लाह ताला ने उसको ज़मीन के अंदर चला गया, जैसे जलजला आता है ना, सब लोग ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, ज़मीन फटी और कारून ज़मीन के अंदर चला गया, पहले आधा गया फिर थोड़ा गया, फिर वो तौबा करने लगा, वो कहने लगा ए मूसा मुझे बचा लो, मुझसे गलती हो गई। तो हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने ज़मीन को हुक्म दिया कि और इसको निगल ले। फिर वो पूरा ज़मीन के ऊपर तक चला गया, अंदर पूरा चला गया और ज़मीन पूरी बराबर हो गई। ये अल्लाह का अजाब था नबी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना। फिर क्या हुआ, फिर कुछ लोग थे ना वहाँ के, फिर वो कहने लगे अच्छा हज़रत मूसा ने इसलिए कारून को ज़मीन के अंदर डाल दिया ताकि उनका खजाना, उनके महल, वो सब के सब अलग मरा और कारून अलग मरा। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने तंग किया था, सरकश लोग थे। तो ये जो था ये तो हज़रत मूसा ले लेंगे क्योंकि वो उसके कज़न भी थे। तो क्या किया हज़रत मूसा ने, अल्लाह से दुआ की कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना कारून चाहिए, ना उसका ख़जाना चाहिए, ना उसका महल चाहिए। कारून तो ज़मीन के अंदर चला गया, ज़मीन पूरी बराबर हो गई, इक्वल हो गई। फिर पता है बच्चों क्या हुआ, उसका जो महल था जिसमें 3,000 रूम्स थे,
वो महल भी जमीन के अंदर चला गया, लोगों के सामने, लोगों की नजरों के सामने वो सारा खजाना जो था वो भी जमीन के अंदर चला गया। वो सारा का सारा जमीन ने अपने अंदर ले लिया, वो पूरी अंदर से लेवल हो गई। फिर ये हुआ कारून का। कुरान शरीफ ज्यादा जरूरी और नमाज तस्बीहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस तरह से कारून का अंजाम हुआ और हज़रत मूसा अलैहि सलाम का नाम तो आज तक बाकी है, वो तो हमारे प्यारे नबी हैं। तो ये अंजाम हुआ। और बच्चों मैंने शुरू में आपको क्या बताया था, जब कारून का ख़जाना ऊँट लेके जाते थे, उसकी चाबियाँ और लोग लेके जाते थे, तो लोग क्या कहते थे, अरे वाह इतना उसके पास पैसा, इतनी उसके पास जायदाद। अब वही लोग थे, काश हमारे पास होती। अब वो लोग कहते थे कि शुक्र है अल्लाह का, कारून जैसा खजाना हमें नहीं चाहिए। और चाबी भी जमीन के सब के अंदर चली गई। तो इसलिए अल्लाह ताला से सब कुछ अंदर चला, अल्लाह ताला से खैर वाला खजाना मांगे, खैर वाली रोजी मांगे, खैर वाला पैसा मांगे, जो आप दूसरों को भी दे, गरीबों को दे, ताकि वो आपके लिए बरकतें लेकर आए। तो ये कितनी अच्छा एक किस्सा था। जो लोग गुरूर करते हैं, तकब्बुर करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें कुछ नवाज देता है तो पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, उनके लिए इबरत का निशान है। जब कारून जैसा नहीं बचा तो हम तो बहुत कितने कैसे लोग हैं, हमारे पास तो कोई इतना ख़जाना भी नहीं है। तो इतराना नहीं चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र अदा करना चाहिए। तो आज का हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है। आपको आज का हमारा किस्सा जो 2-3 किस्तों में चला आपको बहुत पसंद आया होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा, ये तमाम अम्बिया के किस्से आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। मुझे दीजिए सलाम का किस्सा बहुत अच्छा है। सारे नबियों के किस्से बहुत अच्छे हैं। सिनान की बातें तो चलती रहेगी। मुझे आप इजाज़त दीजिए हमारे प्यारे से प्रोग्राम के साथ और हमारा एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, नेकियों भरा प्रोग्राम एक दिन की नेकी ज़रूर देखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम, रमज़ान मुबारक। एक दिन की नेकी सेगमेंट में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। आपको पता है कि हम आपको बहुत सारी फैमिली से मिलवाते हैं और आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी खातून है, मैं तो इन्हें लड़की कहूँगी, मेरे साथ बैठी हुई है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना जी, कैसी हो आप? ठीक हूँ। तबीयत कैसी है? तबीयत कुछ बुखार सा लग रहा है मौसम की वजह से। आजकल मौसम भी ना कुछ चेंज हुआ हुआ है, ऐसा है कि नहीं है? जी टेंशन में हूँ ना, तबीयत अच्छा नहीं लग रहा। क्या टेंशन, क्यों टेंशन लेते हो? मेरे 3 बेटी है और एक बेटा है 2 महीना का है। मेरे शोर मुझे छोड़ के चला गया। कहाँ चला गया? नशा करते है, पता नहीं कहाँ चला गया। अभी वो नशा करके चला गया, 6 महीना हो गया, किराया घर पे वो। तो आपकी मतलब मुलाकात नहीं हुई? मतलब नहीं, 6 महीने से आपके हस्बैंड घर वापस आए ही नहीं। नहीं। और आपको फिर मतलब नशे का आपको घर से पता चल गया होगा कि वो घर पे कर रहे होंगे? पहले से करते हैं नशा। पहले से करते थे, शादी से पहले से? जी। तो कजन है आपके, लव मैरिज हुई है, तो फिर क्यों की शादी घर वालों ने? जब पता था, पता नहीं था पहले से करते। अच्छा, पहले से ये पता नहीं था कि ये नशा करते हैं। तो अब शादी को कितने साल हो गए आपके? 8 साल। 8 साल हो गए हैं। और घर से कब से चले गए? 6 महीने हो रहे। बिल्कुल घर को वापस नहीं आ रहे? अच्छा, एक्चुअली इनका जो एरिया है जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे नशा बहुत ज़्यादा कॉमन है। मैं हमेशा कहती हूँ, हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि प्लीज़ इसके ऊपर काम करें, प्लीज़ ये यूथ को, लोगों को, लोगों के घरों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और लोगों के जिनकी फैमिलीज हैं किस जहनी हजियत से गुजरते हैं कि आपको क्या बयान किया जाए इस बारे में। सबको पता है कि नशा क्या चीज़ है और कितनी ख़तरनाक चीज़ है, तो क्यों इतनी आम फाम जो है वो मिल रहा है? तो उनको बच्चों का भी कोई एहसास नहीं होगा, ज़ाहिर है। आप पता नहीं, आपको पता है या नहीं पता, और मुझे पूछना चाहिए या नहीं चाहिए, कौन सा नशा करते हैं, कुछ आइडिया है? हेरोइन की, शीशा के। अच्छा, शीशा। तो फिर तो काम कौन करता है और फिर उन्हें इन जो पैसे हैं नशे के वो कैसे फिर वो अपने लिए पूरे करते हैं? रास्ते में कचरा मचरा उठा के चलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। और इसीलिए वो घर भी नहीं आ रहे हैं। हाँ, बहुत सारे जो लोग नशे में है ना
वो ये करते हैं कि रास्ते से कोई चीज़ उठा ली या कोई लोहा तोड़ लिया या कुछ इस तरह से उसको बेच दिया आगे और फिर अपने नशे के, तो बिल्कुल भी नहीं आते घर? नहीं, बहुत परेशान में हूँ मैं, एक रुपया भी नहीं है, मेरी अम्मी अबू गरीब है, थोड़ा थोड़ा सौदा मौदा ला के देते हैं, ये लेके चलती हूँ। अभी बच्चे की तबीयत खराब है, मेरे पास पैसे भी नहीं, मैंने वो सुना आपके नाम, मैं बोला माशाल्लाह मेरी कुछ मदद करे तो अच्छा है। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, शाम को डॉक्टर के वहाँ ले जाएंगे इस उम्मीद। इंशाल्लाह ताला, आप देखिए आप भी मेरे लिए दुआ कर लो। बिल्कुल, मैं आपके लिए दुआ करूँगी, और हमारा जो ये प्रोग्राम है हम इसलिए करते हैं ताकि आपसे लोगों को मिलवाएं और लोग देख सकें कि अगर एक कमरे में इंसान रह रहा है ना, उसकी एक ही ज़िंदगी है, एक एक बस उसका एक लैपटॉप है, एक ऑफिस है, उसका एक सिग्नेचर है, और ये है, और एक फैमिली है, तो वो कैसे पहुंचे आप तक। हमने इसीलिए इस प्रोग्राम को बनाया एक दिन की नेकी को, कि लोग आपको देखें, आपकी स्टोरी को सुनें, आपकी कहानी को सुनें, और जो वो कर सकते हैं आपके लिए, हम तो करेंगे, लेकिन जो लोग करना चाहें आपके लिए कुछ, तो वो ज़रूर करें। और मैं दुआ करती हूँ कि आपके हस्बैंड जो वो नशा छोड़ दें, आमीन। और इस वक्त जितने भी बच्चे बड़े नशा कर रहे हैं वो नशा छोड़ दें, ये जिंदगियों को फागर तब इनकी एज देखें कितनी यंग है और कितना कुछ डिज़र्व करती हैं, और हस्बैंड जो है वो नशा कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादती वाली बात। अल्लाह करे कोई लड़की की ऐसे नसीब ना हो। हाँ सही बात है, बहुत परेशान में हूँ मैं, किराया घर पे किराया मिल रहा है वो 4 महीने की चढ़ गया, 4 महीने का किराया नहीं दिया हुआ जी, अभी 1 रुपया भी नहीं। मेरी छोटी बच्ची है 7 साल की, वो जो अच्छा नहीं है, अभी बहुत छोटी वाली आई थी, 7 साल की, उनके हार था छोटा सा सोने का, ये बेच के मैंने 10,000 दिया, मतलब चीजें बेच बेच के घर का रेंट पूरा हो रहा है। तो हम ना कोई जॉब शॉप नहीं कर सकते? नहीं, छोटे छोटे बच्चे, अभी एक मुन्ना लेकर आया। हाँ हाँ, मुझे भी मैंने देखा, छोटा सा गोद का प्यारा सा, एक उसकी क्या एज है, 7-8 months होगा, 7-8 महीने का होगा वो बच्चा भी जो आपकी गोद में था? नहीं, 2 महीना, 2 महीने का है वो। आप यकीन करो उस बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, वो 2 महीने का है, और इनके पास इनके हालात ऐसे हैं कि घर का किराया तो दूर उस 2 महीने के बच्चे के इलाज के पैसे नहीं है, और बच्चे को है क्या, सीना जाम, पेट खराब, और उस बच्चे के लिए पैसे नहीं है। आप सोचें अल्लाह अकबर कि ये किस तरह के हालात हैं, इनके जो घर का रेंट है वो 4 महीने से जो वो ड्यू है, हस्बैंड आपको पता है कि वो नशा करते हैं, और कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटी हैं। 3 बेटियां हैं जी। क्या क्या नाम है? आरजू, नौरीन, राफिया। आरजू, नौरीन और राफिया, वो क्या करती हैं? पढ़ाई में जाती है। पढ़ा रही हो आप? जी, पड़ोस के घर पे। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे ट्यूशन होता है जी। अच्छा, वैसे पढ़ा रही हो। क्या चाहती हो लाइफ से, जिंदगी से क्या चाहती हो? कुछ भी नहीं, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इंशाल्लाह कामयाब बनाएंगे। आमीन इंशाल्लाह, ज़रूर, क्यों नहीं, आमीन इंशाल्लाह। अल्लाह ने हमें मिलाया है, ये सब का करम है ना जी। जी आप? मैंने तो आपको देखने के लिए बहुत तरसते थे। देखो अल्लाह ने कैसे हमें मिलवाया है जी, है कि नहीं है जी। मैं भी आपसे मिलने के लिए कल से, जब मुझे पता चला कि आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मैं बहुत खुश थी, और मैंने कहा मैं मिलूंगी, और बहुत 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 सारा प्यार मुझसे जितना हो सकेगा ना, मैं उतना आपको प्यार दे सकती हूँ, एहसास कर सकती हूँ, आपका ख्याल रख सकती हूँ, है ना जी। और लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि वो आपकी हेल्प करें, मेरी तो दुआ है। और हम जब भी आते हैं, हम अपना प्रोग्राम करते हैं, तो हम कभी भी खाली हाथ नहीं आते, हम आपके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, इसमें राशन है, ठीक है, घी है, और बहुत सारा सामान है। आपका रमज़ान बहुत अच्छे से गुजरेगा इंशाल्लाह ताला, और ईद भी अच्छे से गुजरेगी, जोड़े भी हैं नए, और मैं दुआ करती हूँ कि आपकी आने वाली ज़िंदगी जो है अल्लाह पाक जो है उसमें रहम करम फरमाए, हम सब पर रहम करम फरमाए, और हमारे दिल को दीन दुनियावी परेशानियों से दूर कर दे, और हमें दीन के करीब कर दे, है ना जी। आमीन इंशाल्लाह। सो अपना बहुत ख्याल रखना आमना, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और मैं उम्मीद करती हूँ कि लोग आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। कोई ऐसी बात जो खुद आप कहना चाहें? क्या कहूँ, आप मेरे लिए दुआ करना। क्या दुआ? मेरे शोर ठीक हो जाए, घर पे आ जाए,
हंसते हंसते जिंदगी गुजारो। आमीन इंशाल्लाह ताला। और ये आपकी पसंद की शादी नहीं थी? नहीं, ना देख शादियाँ जो है ना देखिए बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। क्या क्या कहते हो आप इस पे बात करो, शादियाँ जो है वो बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। माँ बाप को सोचना चाहिए जी। कैसे क्या चीज़ है जो आप समझती हो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप देखो उस लड़के में ये है कि या नहीं है, कि क्या ये गुस्से वाला है, क्या ये नशा करता है, क्या 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 चीज़ें समझती हो कि कल को अगर कोई और लड़की शादी करे तो वो अगर बचना चाहे इस तरह से तो कैसे बचे? कोई एडवाइस मशवरा क्या बताऊँ? नसीब जिसकी जैसा है ऐसा ही होगा, नसीब में जो लिखा है ऐसा ही होगा ना। मेरी तकदीर ऐसा है, शायद अल्लाह की वही मर्जी थी। माशाल्लाह तो बहुत हिम्मत में हो और अल्लाह ताला आपको ऐसी हिम्मत में रखे। और मेरी दुआ है कि आप हस्बैंड एंड वाइफ पूरी फैमिली साथ रहे और खुश रहे और साथ रहे। और आप देख लें आमना की बेटियां हैं और अभी आगे बहुत कुछ इन्होंने लाइफ में देखना है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आनी हैं। एक औरत के लिए बहुत मुश्किल भी होती हैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मर्द ही कर सकता औरत के लिए, सही बात है नहीं है? प्लीज़ आप आमना की हेल्प कीजिए एंड आमना आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़। रब्बुल इज़्ज़त इस साल माह रमज़ान के सारे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा और हम सबको रमज़ान का अदब व एहतराम करने की तौफीक फरमा। रहमतों के महीने में खूब रहमतें समेटने की तौफीक अता फरमा। ऐ सारी कायनात के शहंशाह, ऐ सारी मखलूक के पालने वाले, ऐ ज़िंदगी मौत का फ़ैसला करने वाले, ऐ आसमानों और ज़मीनों के मालिक, ऐ पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ऐ इंसानों और जिन्नातों के माबूद, ऐ अर्शे आज़म के मालिक, ऐ फ़रिश्तों के माबूद, ऐ इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ऐ बीमारों को शिफा देने वाले, ऐ बादशाहों के बादशाह, ऐ अल्लाह हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, हम तेरे ख़ताकार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। इस रहमतों के महीने में हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हम अपने अगले पिछले सगीरा और कबीरा सभी गुनाहों ख़ताओं और नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। ऐ अल्लाह ऐ रब्बुल इज़्ज़त इस पाक महीने में हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हम गुनहगार हैं, सयाकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, ना शुक्रे हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई तारीफ के लायक नहीं है, हमारे माबूद हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तू अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह पाक हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पे चलने वाला बना दे। ऐ अल्लाह ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अदा कर जिस नमाज से तू राज़ी हो जाए, ज़िंदगी में ऐसे नेक आमाल करने की तौफीक अदा कर जिन आमालों से तू राज़ी हो जाए, हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता कर जिस ज़िंदगी से तू राज़ी हो जाए, ईमान पे जिंदा रख और ईमान पे ही मौत अता कर। ऐ अल्लाह हमें तेरे अहकाम की फरमा बरदारी करने वाला बना और तेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम के नेक और पाकीज़ा आदाब को अपनाने वाला बना दे। ऐ अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। ऐ अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें अपने ख़जानों में से नेक और सालह औलाद अता फरमा। ऐ अल्लाह जिनके जो जो काम रुके हुए हैं वो पूरे कर दे।
ऐ अल्लाह बिछड़े हुए को मिला दे, ऐ अल्लाह शादीशुदा जोड़ों में मोहब्बत और खुलूस पैदा कर दे और उनकी जिंदगियों में बरकत डाल दे। ऐ अल्लाह तमाम लड़के और तमाम लड़कियों के नसीब अच्छे कर दे। ऐ अल्लाह जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं उनका कर्ज जल्द से जल्द अदा करवा दे। ऐ रबुल इज्जत शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हलाल रिस्क कमाने की तौफीक अता फरमा। ऐ मालिक दो जहां हज़रत आदम अलैहि सलाम से लेके अब तक जितने भी मोमिन मोमिनात इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। ऐ परवरदिकार आलम हमें तुझसे मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना आता है, तू हर चीज़ पर कादिर है। ऐ अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गया वो भी इनायत फरमा। हमारी दुआ अपने रहम से अपने करम से कबूल फरमा। सुनने वालों की सारी परेशानियों तकलीफ़ों और बीमारियों को दूर फरमा और सेहत व तंदरुस्ती अदा कर। ऐ परवरदिगार आलम हम सब के तमाम गुनाह माफ़ फरमा, हम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा दे और जायज़ हाजात पूरी फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन।